फिल्म के बारे में एक ही बात बताना चाहूँगा, इट्स ए लव स्टोरी और उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो है एक रिटायर्ड कर्नल का जो हीरोइन की दादा है, बहुत ही प्यार करते हैं अपने फैमिली को। पहले हीरोइन की किसी और के साथ शादी का रिश्ता तय करवाता है दादाजी, अपने ही दोस्त समझ के, दोस्त के बेटे के साथ। बाद में जब पता चलता है कि वो फ्रॉड है, वो खुद ही तोड़ देते हैं। और जब पता चलता है कि हीरोइन मतलब अपनी पोती किसी एक गांव के लड़के से प्यार करते हैं, तो वो मतलब उससे शादी करवाने के लिए आता है। और वहाँ पे वही जो मेन विलेन है उसके साथ भी, मतलब जो मेरा दोस्त बोल रहे थे पहले, उनके साथ भी मार पिटाई होती है। और अल्टीमेटली ये होता है कि हीरो हीरोइन के साथ मिलन होता है। इसमें मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ये आप लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा कि बाहर से बहुत कड़क है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। डायरेक्टर मिश्रा जी के साथ यही है कि मेरा ये पहला फिल्म है उनके साथ, और पहली बार जब मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे चाहते हैं इस कैरेक्टर के लिए। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने आपका मतलब देखा है, फिल्म मैं देख चुका हूँ। इससे पहले मेरा माय वाइफ्स मर्डर, टेंगो चार्ली, ये फिल्म छल, और भी बहुत सारे फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरा काम देखा था टेलीविज़न में, बालिका वधू एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है उन्होंने देखा था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखने के बाद, वो जो मेरा जो कैरेक्टर है, वो दद्दा जी का जो कैरेक्टर था, उन्होंने बोला कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और ये कैरेक्टर में ये है कि वैसे ही बाहर से वो बहुत ही कड़क है लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, एंड ही लव्स हिज फैमिली, लेकिन कलर थोड़ा सा अलग है। तो वही मैंने कोशिश की कि अलग कलर देने के लिए मैं जो पहले जो कैरेक्टर किया है उससे हट के थोड़ा सा अलग तरीके से काम करने की कोशिश की है। एंड डायरेक्टर आल्सो ही इज़ वेरी नाइस, उन्होंने हमेशा कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, कोऑपरेट की। और मुझे जब लगा कि हाँ कुछ जगह पे मेरे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसा है, ये इसलिए है। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड नॉट ओनली दैट, ऑल द कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हीरो हीरोइन देव, एंड जो ये हीरोइन जो है यार, बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है दे आर ऑल नॉट सो फेमस। तो अंदर से एक अलग तरीके का एक, मतलब क्या बताऊं कि एक फ्रेंडशिप तैयार हो गया था कि एक दूसरे के साथ काम करने का। और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे क्योंकि मैक्सिमम लोग थिएटर बैकग्राउंड से हैं, मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, और हमारे ड्रामा स्कूल के भी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी और भी दो तीन एक्टर्स थे वहाँ पे। तो वी एंजॉयड अ लॉट, मज़ा आया। आगे के प्रोजेक्ट के बारे में, मेरा और एक बहुत ही बड़ी फिल्म आ रही है बेल बॉटम, उसमें मैं एक एविएशन मिनिस्टर का कैरेक्टर किया है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई वॉज देयर विथ अक्षय कुमार, जिसकी शूटिंग हमारी पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने ग्लासगो में जाके किया। दो महीना हम साथ में रहे, 160 लोग हम लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलके काम किए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ा, एक भी एक्टर, नॉट ओनली एक्टर्स टेक्नीशियंस डायरेक्टर्स एवरीबॉडी वॉज देयर, बट कोई बीमार नहीं पड़ा। और एक बहुत बढ़िया बात जो है वो है कि यूके के जो टेक्नीशियंस हैं, यूके के जो एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो वो एक चीज़ देखा हम लोगों ने कि व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म, कितना अंतर है हमारे इंडियन प्रोफेशनलिज्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ,
यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री की जो जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर वो मैंने देखा था।